नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका खास बुलेटिन में। बीएसपी नेताओं पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जी हां, वही बीएसपी जो इस वक्त ब्राह्मणों के साथ होने के दावे कर रही है। आगरा में बीएसपी के ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन करने पर पुलिस ने बसपा के वरिष्ठ नेताओं और आयोजकों के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। बसपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि सत्ताधारियों के इशारों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ऐसे मुकदमे दर्ज करती है। जगनेर रोड के सिरौली स्थित श्री श्यामजी गार्डन में रविवार की शाम को बसपा के विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इसमें बिचपुरी, अकोला और बरौली अहिर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। सीओ अश्नेरा महेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि मैरिज होम में भीड़ जुटी हुई है। मलपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यहां कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा था। 200 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे, मास्क नहीं पहन रखे थे। पुलिस ने आयोजकों से कार्यक्रम की अनुमति दिखाने को कहा तो वो नहीं दिखा सके। इस मामले में एसआई अनुज सिरोही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। तो बीएसपी नेताओं ने बिना अनुमति सम्मेलन किया, मैरिज होम में करीब 200 से ज्यादा लोग जुटे हुए नजर आए। ऐसे में बीएसपी के नेताओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आगरा का ये पूरा मामला है जहां पर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ता सम्मेलन करने पर पुलिस ने बसपा के वरिष्ठ नेताओं और आयोजकों के विरुद्ध धारा 144 के उल्लंघन और महामारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया। बसपा के प्रवक्ताओं का कहना है कि सत्ताधारियों के इशारों पर दबाव बनाने के लिए पुलिस ऐसे मुकदमे दर्ज करती है। जगनेर रोड के सिरौली स्थित श्री श्यामजी गार्डन में रविवार की शाम को बसपा के विधानसभा क्षेत्र कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था। इसमें बिजपुरी, अकोला और बरौली अहिर ब्लॉक के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था और सभी कार्यकर्ता इकट्ठा भी हुए। सीओ अश्नेरा महेश कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली कि मैरिज होम में भीड़ जुटी हुई है। मलपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची जहां कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन नहीं हो रहा था। 200 से ज्यादा लोग जुटे हुए थे, मास्क नहीं पहन रखे थे। पुलिस ने आयोजकों से कार्यक्रम की अनुमति दिखाने को कहा तो वो भी नहीं दिखा पाए। इस मामले में एसआई अनुज सिरोही की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी अमित मेरे साथ आगरा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ ताजा अपडेट इस पूरे मामले में मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में 135 लोगों के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस को सूचना थी कि बिना अनुमति के एक राजनीतिक पार्टी का कार्यक्रम गणतंत्र दिवस पर एक निजी मैरिज होम में होने जा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस पूरे घटना की वीडियो फुटेज के आधार पर लगभग 135 बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। थाना मलपुरा क्षेत्र की ये घटना है। काफी सारी राजनीतिक पार्टियों ने इस पूरी घटना के बाद बीएसपी को घेरे में लेते हुए कई सारे पुलिस अधिकारियों से संपर्क किया, जिसके बाद ये मुकदमा दर्ज हो पाया। क्योंकि आगे उत्तर प्रदेश में चुनाव का दौर है और सियासत अपने पूरे चरम पर ताजनगरी आगरा में दिखाई दे रही है। बिल्कुल, हमें देखा जाए तो आगरा में जिस तरह का सम्मेलन किया गया, क्या सम्मेलन की परमिशन यहाँ ली गई थी? मैरिज होम में 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए, जो भी कार्यकर्ता थे वो इकट्ठा हुए, सम्मेलन कर रहे थे। तस्वीरों को देखकर ये कहा जा सकता है कि किसी ने भी मास्क तक नहीं लगाया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, इस पूरे कार्यक्रम की कोई भी परमिशन जिला प्रशासन से नहीं ली गई थी। जिला प्रशासन की शक्ति के बाद इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन है उनका किसी भी प्रकार यहाँ पे पालन नहीं किया गया है। किसी भी बीएसपी कार्यकर्ता के चेहरे पे मास्क नहीं था। सोशल डिस्टेंसिंग की तो आप बात ही छोड़िए। लगभग 135 बीएसपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ नामजद मुकदमा इसमें दर्ज किया गया है। बिल्कुल, क्या गिरफ्तारियां भी आगे हो सकती हैं अमित, ऐसी कोई जानकारी? बिल्कुल, आगरा के वरिष्ठ जो नेता हैं, बसपा के जिलाध्यक्ष हैं, बसपा के जोनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए आज सुबह आगरा के पुलिस कप्तान ने अपने जो अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले में गिरफ्तारी की जाए। दूसरी ओर जो बसपा के नेता हैं वो सीधे कोर्ट की छत में पहुंच रहे हैं और अपनी जमानतों का वो इंतजाम करते हैं।
बिल्कुल अमित, अगर देखा जाए तो बीएसपी 2022 के चुनावों को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है। कुछ समय पहले ही ब्राह्मणों को साधने के लिए एक प्रमुख गोष्ठी की तैयारी उन्होंने की है। इसके द्वारा सम्मेलन भी लगातार किए जा रहे हैं, जहां एक तरफ बीएसपी ये कहती हुई नजर आती है कि हम पूरी तरह से जो भी नियम कानून है उन्हें मानते हैं, हमारी पार्टी ऐसी है जो सभी नियम कायदों को बखूबी धरातल पर उतारती है। ऐसे में एक बड़ा सम्मेलन किया गया, पहले अनुमति नहीं ली गई, उसके बाद 200 से ज्यादा कार्यकर्ता वहां जुटे, ना मास्क लगाया गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पर ध्यान रखा गया है। ऐसे में ये क्या संदेश दे रहे हैं आने वाले समय को? आप अगर देखें तो आगरा में बीएसपी अपने धरातल से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, वेंटिलेटर पर पार्टी है, जिसको लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती को संगठन होने का संदेश दे रही है, पर इसके बावजूद सबसे ज्यादा अनुशासित कही जाने वाली बीएसपी सेक्टर स्तर पर जिनका संगठन है, उन्होंने सरकारी गाइडलाइन और कोरोना गाइडलाइन का किसी प्रकार कोई पालन नहीं किया है। क्योंकि इस बात की हड़बड़ी थी कि लगातार लोगों को जोड़ा जाए और सस्पेंड किया जाए, तो इन्होंने प्रशासन से अनुमति लेना भी उचित नहीं समझा। जी बिल्कुल अमित, और इस पूरे मामले में इतना बड़ा मामला है, 200 से ज्यादा ऐसे बीएसपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, जिन पर नामजद मुकदमे दर्ज हुए हैं, जमानत के लिए लगातार वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। इस पूरे मामले पर जो मुखिया हैं बीएसपी की, उनकी तरफ से क्या कोई बयान सामने आया है? उनकी तरफ से अभी कोई बयान नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। वो सिर्फ अपने संगठन को मजबूती करने पर जोर दे रही है। मुकदमे इससे पहले भी आगरा के अलावा अन्य जनपदों में लिखे जा चुके हैं, पर बीएसपी कार्यकर्ता लगातार प्रबुद्ध सम्मेलन कार्यकारी कमेटी के तहत इन सारे कारनामों को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया हमें तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो ये पूरा मामला आगरा का था। आपको बता दें कि बीएसपी इन दिनों पुरजोर कोशिश कर रही है कि 2022 में एक बार फिर से वापसी कर ले। देखिए, अगर बीएसपी की बात की जाए तो बीएसपी कुछ जिलों में धरातल पर मौजूद नहीं है। ये कहें कि वेंटिलेटर पर पार्टी पहुंची है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आगरा और तमाम जिले ऐसे हैं जहां पर बीएसपी का नामो निशान नहीं है। लेकिन बीएसपी पुरजोर कोशिश कर रही है कि तमाम जिलों में जाकर सम्मेलन किए जाएं, लोगों को बताया जाए कि बीएसपी जो है वो आपकी हितैषी है, वो लगातार आपके लिए काम कर रही है, जनता के लिए काम कर रही है और जनता के लिए ही तमाम तैयारियां हैं बीएसपी की। लेकिन ऐसे में सम्मेलनों का दौर तो जारी है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, हालांकि मामले जरूर कम आ रहे हैं लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। तीसरी लहर को लेकर वैज्ञानिक लगातार कह चुके हैं। ऐसे में अगर जो नेता है वही इस चीज का ध्यान नहीं रखेंगे तो आम जनता कैसे इन तमाम चीजों के लिए वो प्रेरणा देंगे, आम जनता कैसे उनके नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आएगी? देखिए, 200 लोग पहुंचे, ना मास्क, ना सोशल डिस्टेंसिंग, ना परमिशन, बिना किसी परमिशन के सम्मेलन कर लिया गया। हालांकि ऐसी तमाम तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही है, क्योंकि अब चुनाव का दौर है। ऐसे में क्या कोरोना और क्या सोशल डिस्टेंसिंग नेता भूल जाते हैं, कार्यकर्ता भूल जाते हैं और धड़ल्ले से इकट्ठा हो जाते हैं। लेकिन ऐसे में इस महामारी को हम एक बार फिर से इसका आगमन कर रहे हैं और इसको न्योता देते हुए नजर आ रहे हैं। आगरा का ये पूरा मामला जहां पर बीएसपी नेताओं ने बिना अनुमति सम्मेलन किया, ऐसे में नामजद मुकदमा करीब करीब 150 से ज्यादा बीएसपी नेताओं पर दर्ज किया गया है। बस्ती जिले के सर्किट हाउस में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की आशा है। उसके पीछे कारण है कि नया मंत्रिमंडल बनने के बाद पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराते हैं, लेकिन सदन में विपक्ष के बदलाव और बवाल के चलते मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया, जिससे प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष भी किया था और कहा था कि भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ था। तभी प्रधानमंत्री जिन्हें सभी नए मंत्रियों को जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाएं बताने और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने को कहा। जन आशीर्वाद यात्रा उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे देश में निकाली गई है और कई जिलों में जन आशीर्वाद यात्राएं पहुंच भी चुकी हैं। तो बवाल के चलते नए मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया था। ऐसे में नए मंत्री जो हैं वो लोगों के बीच पहुंचे, उनसे बातचीत करें, कोई भी स्तर के अधिकारी हो और पदाधिकारी हो, उनके चलते ये यात्रा जो है वो संभव हो सकती है। ऐसे में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद भी लिया जाएगा, साथ ही साथ जो सरकार की उपलब्धियां हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे देश के कोने कोने में हो, वो जनता तक पहुंचानी है, जनता से
उनको रूबरू कराना है ताकि एक जो बेहतर छवि है वो पार्टी की निकलकर सामने आए और जो भी काम जनता के लिए आगे होने हैं बीजेपी के द्वारा वो भी जनता को पता होना चाहिए। तो ये जन आशीर्वाद यात्रा है। आपको बता दें कि इस वक्त सभी की निगाहें जो हैं वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों पर है। 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में समय कम बचा है और अभी मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ था, तो ऐसे में सदन में उनका परिचय नहीं हो पाया था क्योंकि विपक्ष ने तमाम बवाल किया था। ऐसे में उनसे जनता रूबरू हो, इस वजह से ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है और ये सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं होगी, देश के हर राज्य में और कोने कोने तक पहुंचेगी ताकि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल सके। साथ ही साथ जो उपलब्धियां और जो योजनाएं सरकार लोगों के लिए पहुंचा रही है, चाहे वो राज्य की हो चाहे वो केंद्र की हो, वो सभी लोगों तक पहुंचे, लोगों को पता हो। महंगाई देखो भैया, एक पूरी एक पैंडेमिक के जो महामारी आई है, वैश्विक महामारी थी, उसमें थोड़ी दिक्कत आई है, लेकिन सरकार तमाम प्रकार के उपाय कर रहे हैं ताकि महंगाई पर कंट्रोल कर पाया जाए। और आज भी अखबार में आप लोग पढ़े होंगे कि मुद्रा फीसदी आज फिर 1.5% घट करके नीचे आई। सर पेट्रोल डीजल बहुत बड़ी, पेट्रोल डीजल देखो अंतर्राष्ट्रीय मामला है ये, और पेट्रोल डीजल पे आप लोग के दिमाग में रहता कि केवल भारत सरकार ही टैक्स लगाती है, उसमें कहीं ना कहीं उससे ज्यादा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट्स भी लगाते हैं, प्रयास हो रहा है कि उसको भी हम लोग करते हैं। यहाँ जहाँ आपकी सरकारें हैं वहाँ पर, यहाँ जहाँ आपकी सरकारें कहाँ था, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 99 रुपये पेट्रोल, आप पेट्रोल डीजल की महंगाई को अगर देखते हो तो अगर पेट्रोल में क्यों नहीं आके, फिर मैं कहा कि जीएसटी काउंसिल इसका निर्णय लेगी, इसका निर्णय भारत सरकार नहीं लेती है। तो बस्ती का ही पूरा मामला है जहां पर जन आशीर्वाद यात्रा में राज्य वित्त मंत्री शामिल हुए और उनसे तमाम सवाल किए गए। उनकी तरफ से कहा गया कि जो पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का मामला है वो राज्य की वजह से है, क्योंकि जितना टैक्स यहां पर केंद्र सरकार लगाती है उससे ज़्यादा राज्य लगाती है, तो ऐसे में ये मामला राज्य का है केंद्र का नहीं है। लेकिन जो ये आशीर्वाद यात्रा है वो योजनाएं जो कि आम जनता के लिए है, जो कि ग्रामीण इलाकों के लिए या शहरी इलाकों के लिए हैं, वो उन तक पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है, कितनी पहुँची है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। इसके साथ ही जन आशीर्वाद यात्रा से जो बीजेपी है वो अपना विजन जो है वो क्लियर करती हुई नजर आ रही है। हर जिले में हर गांव तक ये यात्रा पहुंचेगी, वहां पर विजन क्लियर होगा कि आने वाले समय में किस तरह से बीजेपी काम करेगी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्य में हो, किस तरह से बीजेपी आगे अपना पूरा मंथन कर रही है, क्या ब्लूप्रिंट है, तमाम तैयारियां क्या हैं, ये सभी बातें लोगों तक पहुँचाई जाएंगी, जनता तक पहुँचाई जाएंगी, खासकर कि उत्तर प्रदेश में। और इसी सिलसिले में बस्ती में राज्य वित्त मंत्री पहुँचे और उन्होंने यहाँ पर तमाम सवालों के जवाब दिए हैं, लोगों से वो रूबरू हुए हैं, मीडिया से रूबरू हुए और यहाँ पर वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों तक हर योजना का लाभ पहुंचाना है। जो बीजेपी चाहे वो केंद्र में कर रही हो चाहे वो राज्य में कर रही हो, वो सभी जो उपलब्धियां हैं वो जनता के बीच पहुंचाना है, क्योंकि जिस तरह से लगातार बीजेपी का नारा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रहा है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये तमाम चीजें जो हैं वो साथ साथ चल रही हैं और सबका विश्वास होगा तभी आगे हम बढ़ पाएंगे, भारत आगे बढ़ पाएगा और खासकर कि उत्तर प्रदेश पर सभी की निगाहें हैं। ऐसे में जन आशीर्वाद यात्रा के द्वारा लोगों तक जो नए मंत्री बने हैं उनके परिचय करवाना है, क्योंकि सदन में उनका परिचय नहीं हो पाया था क्योंकि विपक्ष ने तमाम बवाल किया, जिसके चलते और इतिहास में पहली बार हुआ था कि नए मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया, इसी के चलते बीजेपी ने ये जन यात्रा निकाली है, जन आशीर्वाद यात्रा, जिसके तहत मंत्रियों का भी परिचय हो जाए, साथ साथ जनता किस तरह से नए मंत्रियों को समझ रही है, उनके साथ कैसे जुड़ रही है, ये तमाम चीज़ें भी निकलकर सामने आ रही हैं, इस पर भी पूरी तरीके से ध्यान देना है। तो बस्ती में पहुंचे राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी, जहाँ उन्होंने तमाम चर्चा की है और तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं। तो बस्ती का ही पूरा मामला है जहां पर राज्य वित्त मंत्री पहुंचे, तो बस्ती जिले के सर्किट हाउस में केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि जन आशीर्वाद यात्रा मूल रूप से जनता का आशीर्वाद लेने की आशा है, उसके पीछे कारण है कि नया मंत्रिमंडल बनने के बाद पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नए मंत्रियों का परिचय कराते हैं, लेकिन सदन में विपक्ष के बवाल के चलते मंत्रियों का परिचय नहीं हो पाया, जिससे प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष भी कर दिया था और कहा था कि भारतीय इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है।
तभी प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों को जनता के बीच में जाकर सरकार की योजनाएं बताने और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकाली। लखनऊ में देर रात एक बार फिर बीच सड़क पर नशे में धुत एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। नशे में धुत युवती ने कार सवार युवकों पर अपहरण और जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि देर रात पार्टी से लौट रही नशे में धुत युवती ने अपने दो दोस्तों पर शराब पिलाकर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को उसके घर भेज दिया और दोनों युवकों को पुलिस विकास नगर थाने ले आई। देखो, आपको कुछ दिनों पहले एक वीडियो सामने आया था प्रियदर्शनी का, वो भी लखनऊ से था, आपको याद होगा। और लगातार हमारे खास प्रोग्राम भारत रत्न 9 में इस मुद्दे को लगातार हम उठाते हैं, लेकिन प्रियदर्शनी अभी तक गिरफ्तार नहीं हो पाई हैं। उस मुद्दे को इस मुद्दे से हम इसलिए जोड़ रहे हैं क्योंकि वहां पर भी एक महिला थी और यहां पर भी एक महिला है। प्रियदर्शनी तो एक युवक को 22 थप्पड़ मारती हुई नजर आई थी, जिसके बाद बहुत बवाल हुआ, लेकिन यहाँ पर नशे में धुत युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, वीडियो भी आपके सामने है। हालांकि युवती का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो महिलाएं हैं अपने अधिकारों का गलत फायदा जो है वो उठाती हुई नजर आती हैं। बीच सड़क पर लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी में, देर रात एक बार फिर बीच सड़क पर नशे में धुत एक युवती ने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। नशे में धुत युवती ने कार सवार युवकों पर अपहरण और जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया। देखिए, बहुत गंभीर मामले होते हैं अपहरण करना, जबरदस्ती करना, लेकिन यहाँ पर कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो फेमिनिज्म की बात करती हैं, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो लखनऊ में ऐसा हो रहा है कि युवतियां जो हैं अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही हैं। कुछ दिनों पहले प्रियदर्शनी ने भी वही किया और आज लखनऊ में ये महिला भी वही करती हुई नजर आ रही है। हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक चलता रहा, किसी ने वीडियो बना लिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। नशे में धुत युवती ने कार सवार युवकों पर अपहरण और जबरदस्ती करने का आरोप लगा दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। आपको बता दें कि देर रात पार्टी से लौट रही नशे में धुत युवती ने अपने दो दोस्तों पर शराब पिलाकर जबरदस्ती करने का आरोप लगाया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस पहुंची और पुलिस ने युवती को उसके घर भेज दिया और दोनों युवकों को पुलिस विकास नगर थाने ले आई है। और लखनऊ से ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी, अगर देखा जाए तो प्रियदर्शनी का मामला अभी ठंडा नहीं हुआ है और एक और प्रियदर्शनी हमें लखनऊ में दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल काजोल, रात का ही मामला है ये कि रात में उनका ही आरोप है कि हम अपने दोस्तों के साथ निकले हुए और हालांकि कहा यह जाता है कि नशे के धुत में ये जो लड़कियां हैं वो थी और उन्होंने इनके एक साथ की जो सहेली है कि जो दोस्त है उनसे ही पुलिस को करके फोन करके बुलाया, जो कि दोस्त है उनके साथ उन्होंने कुछ अभद्र व्यवहार किया है जिसके वजह से वो वहां से भागी है। तो ये पूरा मामला लखनऊ का है जहां नशे में धुत युवती का हाई वोल्टेज ड्रामा देर रात तक चलता रहा। युवती के द्वारा ये कहा गया कि उसके दोस्तों ने उसे पहले शराब पिलाई, उसके बाद उसे अपहरण करने की कोशिश की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और ये जो पूरा नाटक है वो लखनऊ में चलता रहा। हालांकि इसके पीछे की सच्चाई जो है वो अभी तक निकल कर सामने नहीं आई है, लेकिन आसपास के जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका ये कहना है कि ऐसी कोई बात निकल कर सामने नहीं आई है, सिर्फ युवती यहाँ पर शराब कर ड्रामा करती हुई नजर आ रही थी। फिलहाल पुलिस ने समझाया बुझाया और उसे उसके घर भेज दिया। आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है, इस बात में कितनी सच्चाई है इसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है, लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि प्रदेश की राजधानी में लगातार जो युवतियों के मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। युवतियां अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रही हैं और गलत तरीके से वो इल्ज़ाम लगाती हैं, बाद में इल्ज़ाम जो हैं वो गलत साबित होते हैं। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। युवती फ़ोन पर बात करती हुई और ड्रामा करती हुई पूरी तरीके से नज़र आ रही है। हालांकि इस युवती का चेहरा हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ये आने वाले समय के लिए सही नहीं है। जहाँ पर एक तरफ महिलाओं को खुला आसमान ऊँची उड़ान भरने की बातें कही जाती हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें सामने आती हैं।
और यहाँ पर ब्यूरो चीफ रूबी सिद्दीकी एक बार फिर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रूबी देखिए, लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के कई ऐसे मामले हैं जहाँ पर पहले युवती आरोप लगाती हैं, बाद में वो आरोप गलत साबित होते हैं। चाहे वो अभी कुछ दिनों पहले बरेली के धर्मांतरण की हम बात करें, उससे पहले लखनऊ के ही प्रियदर्शनी की हम बात करें जो कि युवक को थप्पड़ मारती हुई नजर आई थी, और अब ये वाली युवती जो ये कह रही है कि उसके दोस्तों ने पहले उसे शराब पिलाई, उसके बाद उसका अपहरण करने की कोशिश की, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें युवती ही हाई वोल्टेज ड्रामा कर रही है। रूबी, आपकी आवाज मुझ तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही है, हम दोबारा से आपसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो लखनऊ का ये पूरा मामला जहां पर एक युवती का हाई वोल्टेज का ड्रामा हुआ है और उसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। आसपास के जो लोग वहां पर मौजूद थे, जो प्रत्यक्षदर्शी थे, उन्होंने कहा कि जो आरोप युवती ने लगाए हैं वो आरोप सही नहीं है। मेरठ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ मानवाधिकार न्याय सुरक्षा प्रहरी का गुस्सा फूट चुका है। बढ़ती महंगाई को देखते हुए मानवाधिकार और न्याय सुरक्षा प्रहरी के मेरठ मंडल अध्यक्ष ओमकार शर्मा के तत्वाधान में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और रसोई गैस पर बढ़ती महंगाई को लेकर मेरठ जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा है। प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लगातार केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर हमला बोला है और यहां पर उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की है। तो बढ़ती महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इसमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, कुछ युवा भी शामिल है। तो ये वाहन बिकाऊ है क्योंकि पेट्रोल और डीजल की जो कीमतें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हाथों में कटोरा लेकर, चम्मच लेकर ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बढ़ती महंगाई के खिलाफ मानवाधिकार न्याय सुरक्षा प्रहरी का गुस्सा फूटता हुआ नजर आ रहा है। हाथों में तख्ती लेकर, बैनर लेकर ये जो लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं, खाद्य सामग्री के बढ़ते दामों को लेकर, तेल के बढ़ते दामों को लेकर, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर इनका गुस्सा यहाँ पर फूट पड़ा है। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरठ से मेरे सहयोगी मुनव्वर मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनव्वर, लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर उत्तर प्रदेश के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं, मेरठ से भी ऐसी तस्वीर सामने आई है, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, ये एक संस्था है मानव अधिकार एवं न्याय सुरक्षा प्रहरी। जाहिर तौर पर उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे देश के अंदर जो महंगाई है वो अपने चरम पर है और इसी के चलते न केवल विपक्ष बल्कि आम जनता भी सड़कों पर है, जहां डीजल, पेट्रोल, गैस और सीएनजी के जो दाम है उसे सीधे तौर पर जनता प्रभावित होती है। ट्रांसपोर्टेशन का काम महंगा हो गया है, आम जो खाने की चीजें हैं, साग सब्जी दाल, वो सब महंगे हो गए हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ता है, आम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है, इसलिए लोग आंदोलित हैं। जो सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी अब सड़कों पर हैं और इस बढ़ती महंगाई का विरोध कर रहे हैं, खास तौर से उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के खिलाफ अब गुस्सा फूटने लगा है। यहाँ पर उन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ नारे लगाए हैं, उन्होंने सीधे मोदी जी को कहा है और हाथों में कटोरे लेने की बात कही है, इस तरह के नारे लगाए गए हैं। हालांकि अभी ये लोग बैठे हुए हैं, इनका कहना है कि जल्द से जल्द महंगाई को कंट्रोल किया जाए। ये प्रदर्शन इनका कब से चल रहा है और कब तक चलेगा, क्या कुछ कहना है इनका प्रदर्शनकारियों का? देखिए, ये लोग आज ही पहुंचे हैं सुबह में, चूंकि इनका काफी समय से एक रणनीति बनाई जा रही थी और अभी ये लोग बैठे हैं, इनका ज्ञापन अधिक है, लेकिन ज्ञापन तक ये बात सीमित नहीं होती क्योंकि विपक्ष देश भर के अंदर इस बात को उठा रहा है, आम जनता विपक्ष के साथ लगा हुआ है क्योंकि आगामी 2022 में विधानसभा चुनाव स्तर पर है, ऐसे में खासतौर से लोगों की बात इसलिए मजबूत हो जाती है क्योंकि चुनाव स्तर पर है और कहीं ना कहीं महंगाई का जो
खामियाजा है उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव को ना भुगतना पड़ जाए और भाजपा की कहीं ना कहीं चीज को लेकर के किरकिरी ना हो जाए, क्योंकि प्रदेश भर में ना केवल महंगाई बढ़ी है बल्कि किसान भी आंदोलित हैं। ऐसे में आम जनता महंगाई और किसान अपने कृषि कानूनों को लेकर आंदोलित है और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश का माहौल बिल्कुल मुनव्वर। ये जो प्रदर्शनकारी है इनसे क्या आपकी बात हो पाई है, क्या कहना है इनका, कब तक ये इनका प्रदर्शन जारी रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंप चुके हैं, क्या उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है, क्या कहना है उनका? देखिए ये एक दिवसीय प्रदर्शन था और इसमें इन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और इसमें मांग की कि इस महंगाई को कम किया जाए, खत्म किया जाए, खास तौर से डीजल पेट्रोल और जो गैस और सीएनजी के दाम है उनको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि गैस और जो डीजल और पेट्रोल है उससे सीधे तौर पर जनता प्रभावित होती है। तो ऐसे में इन्होंने मांग की है कि इसको कम किया जाए, अन्यथा आने वाले समय में और तगड़ा आंदोलित जो आंदोलन है वो किया जाएगा और इसका खामियाजा आने वाले चुनाव में इन लोगों को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल मुनव्वर, आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्द आपका रुख करूंगी। तो मेरठ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी है, मानवाधिकार के जो अधिकारी हैं वो लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, मानवाधिकार न्याय सुरक्षा प्रहरी का गुस्सा भी फूटा हुआ नजर आ रहा है। तो मेरठ की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद आज एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जेलों में मुलाकातें शुरू हो गई हैं, लेकिन बंदियों से ये मुलाकात नए नियमों के साथ होंगी। अहम बात यह है कि एक हफ्ते में एक बंदी एक बार केवल दो ही लोगों से मुलाकात कर सकेगा, जिसके लिए मुलाकातियों को 72 घंटे में हुई आरटीपीसीआर रिपोर्ट लाना जरूरी होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं जो चौधरी चरण सिंह जिला कारागार की है, जहां बंदियों से मुलाकात करने के लिए आज जो पहले ही दिन भारी भीड़ नजर आई। और इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मुनव्वर मेरे साथ लगातार फोन लाइन पर बने हुए हैं। मुनव्वर, बंदियों के लिए खास नियम लागू हुआ है, देखिए कोरोना काल में बंदियों से नहीं मिलने दिया जा रहा था उनके परिवार वालों को, लेकिन आज पहला दिन था, लोग भारी संख्या में पहुंचे हैं, क्या नए नियम हैं, क्या आगे कितनी मुलाकातें हो सकती हैं, एक सप्ताह में बंदी अपने परिवार से कितनी बार मिल चुके हैं, क्या कुछ जानकारी है? देखिए कोरोना काल के बाद जहां 1.5 साल से कम उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद थी, लेकिन बंदियों से मुलाकात लोग नहीं कर पा रहे थे, परिजन नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब नए नियमों के साथ ये मुलाकात होने शुरू हो गई है। एक हफ्ते में एक बंदी एक बार केवल दो लोगों से मुलाकात कर सकता है, इसके लिए बाकायदा जो मुलाकाती हैं उनको 72 घंटों के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी और इसी को देखते हुए और यही एक मानक बनाया गया है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, लोग आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेके जाएंगे 72 घंटे की और अपने बंदियों से मुलाकात करेंगे। हालांकि पहले दिन काफी तादाद में लोग दिखाई दिए और काफी उत्सुक दिखाई दिए, क्योंकि काफी समय से जो बंदी थे अपने परिजनों से मुलाकात नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में ये सरकार की जो गाइडलाइन आई है इसको लेकर के लोग उत्साहित हैं कि अब कहीं ना कहीं जो बंदी अपने परिजनों से नहीं मुलाकात कर पा रहे थे जेलों के अंदर, अब वो मुलाकात कर पाएंगे। इसके लिए बाकायदा सैनिटाइजर मेट से गुजरना होगा, जिसको लेकर के भी सैनिटाइजर करने की जो व्यवस्था की गई है, मुलाकात से भेजने से पहले लोगों को सैनिटाइज किया जाएगा, कोरोना गाइडलाइन के बेहतर इंतजाम किए गए हैं और इसके पालन करते हुए मुलाकात कराई जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले में जो राकेश कुमार है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक चौधरी चरण सिंह जिला कारागार के, उन्होंने इन तमाम चीजों को बताया कि किस तरीके से मुलाकात होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस गाइडलाइन को जारी किया है और तमाम जेलों में इसको लागू कर दिया गया है। 72 घंटों के अंदर की आरटीपीसीआर रिपोर्ट के साथ ही मुलाकात जो मुलाकाती है बंदी से मुलाकात कर सकता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनव्वर तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो जेलों में मुलाकात के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस सामने आई है, आरटीपीसीआर रिपोर्ट दिखानी होगी और एक बार फिर से बंदियों से उनके परिजन मिल सकते हैं, लेकिन सप्ताह में दो बार। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।